अफ़नान सुनो, कल मुझे ना ऑफिस जल्दी जाना है, याद से मुझे अपने साथ ले जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। सुनो सुनो सुनो, प्लीज कहीं बाहर चलें घूमने फिरने, प्लीज। इस वक्त? अरे तो इस वक्त कौन सा मना है कहीं बाहर जाना। सुनो, मैं इतनी देर से आवाज़ार हो रहा हूँ, टीवी पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा हुआ। भाई काम करते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पता है मुझे इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बहुत ज़रूरत है, क्यों घर में बैठे बैठे ना मेरा दम घुट रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो जाएगी। कहीं खुली फिजा में चल के बैठेंगे हैं, और अगर भूख लगी तो कुछ खा पी लेंगे। अच्छा चलो चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जाओ रेडी हो, मैं भी रेडी होता हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने काम में मसरूफ हूँ? हाँ। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ गलती मेरी है, मेरी है। मुझे तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सोचा मासूम लड़की है, अपने आप को मुश्किलात में फंसाती है, चलो इसकी मदद करते रहो। लेकिन तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो यार। अरे यार तुम तो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई थी, तुमने तो उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया था। तुम मेरी इज्जत का खास ख्याल रखोगी जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी भी नहीं हो सकती। तुम्हें तो रिश्तों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है रमशा। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी खुशी की। अभी भी खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं था, और मेरी तरबियत बहुत अच्छी है। मेरी जगह कोई और लड़का होता तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल चुका हूं। रमशा क्या हुआ बेटा? रमशा क्या हुआ है? क्या हुआ? शानी नहीं। आपको एक बात बताऊं, ये रिश्ता जो है ना रमशा के लिए गैबी मदद से कम नहीं है। एक बार ये शादी हो गई ना तो लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। वैसे भी नबील की अम्मी ने खुद फोन किया है, वो आना चाह रही हैं, रिश्ता मांग रही हैं। आप देर ना करें, बुला दें। शमशा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, अम्मी बहुत डर लग रहा है मुझे। बेटा क्या हुआ बेटा? रमशा क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हाँ किसी ने कुछ कहा है तुमसे? शानी ने कुछ कहा है? हाँ नहीं नहीं अम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। क्यों बेटा क्यों डर लग रहा है? अब किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? मुझे खुद से बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। बता रहा अम्मी, आपको नहीं पता मैंने अभी क्या देखा है। मैंने देखा कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खौफनाक हूँ और बहुत बुरी हूँ, बहुत गंदी हूँ, और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटा देखो, तुमने ना जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। हाँ देखो मैंने तुमसे कहा ना कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, तुमने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी होगी ना, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। और ये ख्वाब था? हाँ बेटा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ मेरी जान, और मैं तुम्हारे पास हूँ ना बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत जाना मुझे छोड़ के, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अकेले छोड़। नहीं बेटा मैं कैसे जा सकती हूँ, कहीं मैं कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल भी मत डरना तुम। हाँ अच्छा मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। हाँ चलो शाबाश। रमशा जो सबिया बाजी है ना, उन्होंने किसी बुजुर्ग का बताया था मुझे। मैं सोच रही थी कि मैं उनके पास आज ही होकर आ जाऊं, तुम्हारे लिए कोई तावीज़ ले आऊं। कल जो तुम्हारी हालत हुई थी ना, मैं तो बहुत डर गई थी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी। अच्छा सुनो, वो उस लड़के से तुम्हारी बात हुई है? वो अपने घर वालों को लेकर आ रहा है यहाँ रिश्ते के लिए या नहीं? कुछ बताया उसने? रमशा अम्मी वो मुझ से बाहर चला गया, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं है। आप जहाँ जाए वहाँ मेरी शादी करते हैं। रमशा बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। इस महीने की 20 तारीख डिसाइड हुई है। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बहुत खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तुम खुश तो ना? तुम झूठ बोल दी। रमशा तो ऐसे खुश नहीं होती। रमशा खुश होती है तो चीखती है, चहकती है, खिलखिलाती है, शोर मचाती है और सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खाती है। इनमें से तो कुछ भी तुमने नहीं किया। कहा है ना तुमसे, आपके साथ खुद को बदलना पड़ता। नहीं रमशा, तुम खुद को मत बदलो। मुझे तो तुम वैसी ही पसंद हो जैसी तुम हो। हंसती हो, मुस्कुराती हो, हर वक्त शोर मचाती हो। मुझे तो वैसी ही रमशा अच्छी लगती है। चलो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। मोबाइल पर एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। नहीं, नफरत है मुझे इस फोन से। मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी। इससे कैसी नफरत? ये तो एक बेजान सी चीज है। गलती हमारी है, हमें पता होना चाहिए कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक कह रही हो तुम। काश ये बात मैं पहले ही समझ रहा था।